Today's topic is ternary operator. How do we use the ternary operator in Python? To know about the answer, watch the video till the end. तो ternary operator एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक कंडीशन दे दी जाती है और अगर वो कंडीशन सही हो तो उसके रिस्पेक्टिव में कोई रिजल्ट आता है और अगर वो कंडीशन गलत हो तो उसके रिस्पेक्टिव में दूसरा रिजल्ट आता है। तो जनरली उसका लिखने का तरीका होता है कि पहले एक कंडीशन दे दी जाती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक ट्रू रिजल्ट, यानी कि अगर वो कंडीशन सही हो तो वो रिजल्ट उसके आंसर में आ जाए, और दूसरा होता है कॉलन के बाद वाली चीज, जो कि अगर आपकी वो कंडीशन गलत हो जाती है तो वो वाला आंसर आ जाता है। इसी में अगर मैं आपको ये एग्जांपल लेकर दूं, 5 इज ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 30 देन कोलन 40, इसमें जो हमारी कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन 6 वो फॉल्स है। इट मींस कि पहले वाला रिजल्ट 30 हमारा आउटपुट में नहीं आएगा और हमारा रिजल्ट 40 आ जाएगा, जो कि फॉल्स कंडीशन पर चलना था। तो इस तरह से प्रॉपर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन में इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। ये वाला सिंटैक्स जावा में यूज होता है लेकिन पाइथन में यूज नहीं होता। पाइथन में यूज करने के लिए इसका अलग से सिंटैक्स होता है, जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पाइथन के लिए प्रॉपर सिंटैक्स होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक ट्रू वाली वैल्यू रख देते हैं, अगर हमारा कोई रिजल्ट सही आता है तो वो वाली वैल्यू उठाई जाए, देन उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ के बाद एक्सप्रेशन में हम कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं, देन उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। जैसे हम इफ एल्स को यूज करते हैं सिमिलर वैसी ही चीज है, लेकिन इसमें हमारा जो रिजल्ट ट्रू होता है उसको आगे लिखते हैं और जो रिजल्ट फॉल्स होता है वो पीछे लिखते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी सिंटैक्सिंग होती है। आई होप कि ये सिंटैक्स आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर मैं इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल दूं किस तरह से दे सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया था, रिजल्ट इज इक्वल टू 30 इफ 5 इज ग्रेटर देन 6 एल्स 40। तो सेम उसी तरह से मैंने इस चीज को यूज किया है, 30 इसमें ट्रू वैल्यू है और उसके बाद मैंने इफ के बाद एक कंडीशन लगा दी है 5 ग्रेटर देन 6, देन उसके बाद एल्स है और देन उसके बाद उसकी फॉल्स कंडीशन लगा दी है। तो इसमें हमारा क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले 30 इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, तो 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स होता है जिसके कारण 30 हमारे आउटपुट में नहीं आएगा और एल्स वाली कंडीशन रन होगी, एल्स में हमारे पास 40 है, तो इन दी एंड हमें 40 रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। अब टर्नरी ऑपरेटर को हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पहली बार अगर हमने कोई टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया देन उसकी एल्स स्टेटमेंट में हम फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हैं, देन फिर से उसकी एल्स स्टेटमेंट में टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आप इस सिंटैक्स के पहले पार्ट को देख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू इफ एक्सप्रेशन 1 एल्स, इसको अगर आप पुराने वाले सिंटैक्स से कंपेयर करोगे तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू आ गया, इफ आ गया, एल्स एल्स एक्सप्रेशन ही आ गया, और उसके बाद एल्स एल्स ही आ गया, एल्स के बाद एक कंडीशन भी हो सकती है और एल्स के बाद सीधा डायरेक्टली कोई वैल्यू भी हो सकती है। इस केस में हमने कोई कंडीशन लिखी है जिसमें क्या है, सेकंड वैल्यू इफ एक्सप्रेशन 2 एल्स थर्ड वैल्यू, तो ये उसी तरह से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये वाला प्रॉपर्ली समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ आया तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, 30 इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, इट मीन्स कि 30 हमारी आउटपुट में नहीं आएगा, एल्स वाली कंडीशन में जो भी लिखा होगा हमारा वो आउटपुट में आ जाएगा। अब हम एल्स वाली कंडीशन में जाएंगे, तो एल्स वाली कंडीशन में क्या है, 40 इफ 5 इज ग्रेटर देन 6 एल्स 50, तो इसमें भी हमारे पास जो 40 की वैल्यू है वो नहीं आएगी क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स हो जाता है, तो वो अगले एल्स को चेक करेगा, 40 इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, तो यहां पर भी ये कंडीशन फॉल्स आ रही है जिसके कारण 40 हमारी आउटपुट में नहीं आएगा। सिमिलरली इसका भी एल्स वाला पार्ट चेक करेंगे तो एल्स वाला पार्ट डायरेक्टली हमें एक वैल्यू दे रहा है, तो हमें इन दी एंड आउटपुट में 50 ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से प्रॉपरली समझ में आ गया हो कि टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह से यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसी टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। आपको 3 डिजिट दे दिए जाते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि टर्नरी ऑपरेटर की मदद से फाइंड करो कि सबसे हाईएस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप ये वाला प्रॉपर्ली उनको आंसर उस टाइम पे बता सकते हैं। जिस तरह से मैंने लिखा है कि ए बी सी मैंने 3 वैल्यूज दे दी, उसके बाद मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर ए सबसे बड़ा हो तो हमें आउटपुट में ए आ जाए, else B if B is greater than C। अब हमने इसमें A को इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका था पहले ही कंडीशन में कि A सबसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हमने यहां पर A को इंक्लूड नहीं किया और सिर्फ हमने कंडीशन में B is greater than C को लिखा, तो इसलिए हमारे पास B आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि B हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी कि 20 इज ग्रेटर देन 30 फॉल्स हो जाता है जिसके कारण एल्स कंडीशन फिर से रन होगी। तो जब एल्स कंडीशन रन होगी तो हमारे पास C की वैल्यू 30 है, तो इन दी एंड हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू
आएगी वो 30 आएगी। आई होप कि ये एग्जांपल भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई हो। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था जो कि टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे था। अब बात करते हैं इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्नरी ऑपरेटर, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। इसमें सबसे पहले आपको टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स बताना होता है, देन उसके बाद किस तरह से ये यूज किया जाता है या फिर आप इसकी एक एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द टर्नरी ऑपरेटर्स दैट वी यूज इन जावा एंड इन पाइथन। दोनों को कंपेयर करने की जरूरत होती है, तो आप इसके सिंटैक्स के बारे में बता सकते हो कि जावा में किस तरह से यूज किया जाता है और पाइथन में किस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग द 3 इंटीजर्स बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो उसके लिए जो मैंने आपको कोड प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया था, आप उसके बारे में बता सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट और इससे जुड़े क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ में आ गए हों। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।